क्रिकेट के गलियारों का शोर पहुंचेगा आपकी ओर ओनली ऑन क्रिकेट इंसोम्निया। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हारे हुए मैच को जीतने वाले को गुजरात टाइटंस। जी हाँ, शनिवार को इस मैच में लास्ट के ओवर्स में गुजरात टाइटंस वालों ने जो मैच पलटा, मजा ही आ गया और एक बार फिर साबित कर दिया भाई कि इस आईपीएल लीग में सबसे बड़ा जिगरा गुजरात टाइटंस वालों के पास ही है। अब भाई लीग की शुरुआत में ही अगर मैच जीत लिया जाए तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब वाले गुजरात से मिली हार के बाद भी अभी भी गुस्से में लग रहे हैं, इसलिए तो अर्शदीप ने स्टंप को ही उखाड़ दिया। जैसे उनके मन में बस एक ही बात चल रही हो कि भैया बस एक बार गुजरात वालों से मैच करा दो। रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद भी पंजाब वाले बेखौफ दिखे। तो भाई अगर हार शनिवार को ऐसे ही फाड़ू मैच हो जाए तो हम सबको क्या जरूरत पड़ेगी थिएटर जाकर मूवी देखने की, क्योंकि असली फिल्म तो यहाँ आईपीएल पिच पे बनती है। शनिवार को लखनऊ और मुंबई की पिच पे दो मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच लखनऊ की पिच पे हुआ जिसमें गुजरात टाइटंस बस लखनऊ सुपर जायंट से भिड़े, और दूसरा मैच मुंबई की फेवरेट पिच पे, इसमें मुंबई वालों के सामने थे पंजाब वाले। और कल के दोनों गेम ही रोमांचक रहे, एक तो पंजाब वालों का जीत जाना और दूसरा गुजरात वालों का हारे हुए मैच को जीत जाना। एक बार के लोगों को ये लगा कि कहीं दोनों की टीमों के पास अलादीन का चिराग तो नहीं है कि भाई जो इच्छा मांग रहे हैं वही पूरी हुई है। खैर ये तो खैर मजाक की बात हुई, अब जरा स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं कि किसने क्या गवाल दिखाया क्या नहीं। बात करते हैं पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे हुए लखनऊ और गुजरात वालों के मुकाबले के बारे में। पहले तो गुजरात वालों ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और बाद में गुजरात वालों को लगा कि ये फैसला गलत तो नहीं लिया, क्योंकि हार्दिक और शाह को छोड़ के कोई भी प्लेयर नहीं चल पाया। बैटिंग करने आए शाह और शुभम गिल, शाह ने 37 बॉल्स में 47 रन बनाए तो वहीं गिल 0 पर ही आउट हो गए। गिल को आउट होने से गुजरात वालों को झटका लगा और बैटिंग करने का फैसले पे उन्हीं की बारी थी कि अब कौन आएगा, लेकिन फिर आए कैप्टन हार्दिक पांडे और भाई 50 बॉलों में मात्र 50 बॉल्स में 66 रन बनाकर इस डूबती नाव को बचा लिया। फिर अभिनव ने 3, विजय ने 10, मिलर ने 6, राहुल तिवतिया ने 2। कुल मिलाकर गुजरात वाले 20 ओवर्स में 135 रन ही बना पाए। अगर गिल आउट नहीं होते तो शायद ये स्कोर 200 के पार पहुंचता। अब भाई वो अकेले ही 50 रन से ऊपर बनाते हैं, उनकी जो पारी होती है 50 से ऊपर की होती है, तो उनका आउट होने से स्कोर बोर्ड पे तो फर्क पड़ना ही था। फिर 135 रन का पीछा करते हुए लखनऊ की तरफ से कैप्टन केएल राहुल और मेयर्स ने ओपनिंग करी। केएल राहुल ने 68, केएल मेयर्स ने 24, कृणाल पांडे ने 23, निकोलस ने 1, आयुष ने 8, मार्कनस ने 0, दीपक ने 2, प्रेडिक ने 0, रवि बिश्नोई ने 0। केएल राहुल की हाफ सेंचुरी के बाद भी लखनऊ वाले इस मैच को नहीं जिता पाए और 128 पर ही सिमट कर रह गई और गुजरात वालों ने इस मैच को 7 रन से जीतकर अपनी झोली में एक और जीत डाल ली। दोपहर को ऐसा शानदार मैच देखने के बाद हम सबको आंखों में सुकून आया कि भैया चलो शनिवार का दिन खराब तो नहीं गया, लेकिन आपको क्या पता था कि आज डबल रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई वालों के सामने पंजाब किंग्स खड़े थे, लेकिन मुंबई वाले बेफिक्र थे कि हमारे पास तो रोहित, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव जो हैं तो भाई हमको क्या टेंशन लेने की जरूरत। लेकिन रुको भाई, सदा सबर करो। मुंबई वालों ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया और पंजाब किंग्स मैदान पर बैटिंग करने उतरी। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करी मैथ्यू और प्रभसिमरन ने, लेकिन ज्यादा देर तक ये दोनों टिक नहीं पाए। मैथ्यू ने 11, प्रभसिमरन ने 23, अतायदे ने 29, लिविंगस्टोन ने 10, हरप्रीत ने 41, सैम ने 55, जितेश ने 25, शाहरुख ने 0, हरप्रीत ने 5। मुंबई वालों के पसीने छुड़ाए सैम क्रून ने 29 बॉलों में 55 रन बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि भाई 18 करोड़ रुपए वो ऐसे ही नहीं खरीदे हैं। और ये पारी देखकर पंजाब वालों को सुकून मिला होगा कि भैया हमारे पैसे वसूल हो गए। इतनी मेहनत के बाद पंजाब वालों ने 20 ओवर में 214 रन का टारगेट दे ही दिया। फिर 214 रन का पीछा करते हुए मुंबई ने अपने स्पेशल खिलाड़ी रोहित शर्मा और ईशान किशन को भेजा। रोहित ने 44, ईशान ने 1, कैमरन ग्रीन ने 67, सूर्य कुमार ने 57, टिम डेविड ने 25, तिलक ने 3, नेहल ने 0, जोफ्रा आर्चर ने 1 और टीम बस 20 ओवर में 201 रन ही बना पाई। और रोहित, ग्रीन, सूर्य के इतने अच्छे स्कोर करने के बाद भी मुंबई वाले इस मैच को 13 रन से हार गए और उनकी इस हार का सारा श्रेय जाता है अर्शदीप पर। भाई क्या ही बॉलिंग करी उन्होंने, लास्ट के ओवर्स में उन्होंने जो विकेट लेकर मुंबई वालों को घुटने पे ला दिया, वाकई में कमाल का था। स्टंप के बीच से उखाड़े गए वो स्टंप, वो तो भाई सबसे अमेजिंग था। एक तरफ जहां लखनऊ वालों के लिए राशिद काल बनकर आया तो वहीं मुंबई वालों के लिए अर्शदीप बने। कल का दिन तो इतना खास है कि भाई इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमें लखनऊ और मुंबई अपने ही घर में जो हारी हैं। अब भाई बुरा तो लगता ही है जब आपके घर में आकर आपके रिश्तेदार आपके मम्मी पापा के सामने अगर बुराई कर दे तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। तो गुजरात वालों ने 7 रनों से, मुंबई वालों ने 13 रनों से इस मैच को जीता और साथ ही पॉइंट टेबल पर अपना स्कोर भी बढ़ा है। अब गुजरात वाले नंबर 4 पे और पंजाब वाले नंबर 5 पे हैं और दोनों ही टीमें टॉप 5 में चल रही है।
देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टीमें फाइनल तक पहुंच ही जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि ये दोनों टीमें का आमना सामना होगा या नहीं, और शनिवार को इन दोनों मैचों में आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हार्दिक पांडे के फैन हो तो वीडियो को शेयर करो। आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट खेलने अपडेट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना ना भूले, क्योंकि आईपीएल की सारी अपडेट मिलेगी। इसके साथ आप क्रिकेट की सारी अपडेट हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाइए क्रिकेट न्यूज़ में सर्च करें, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।